Knock, knock. क्या मैं आ सकती हूं आपको एक रियलिटी चेक करवाने तो यार फाइनली अगर हम बात करें आप अपने क्लास इलेवंथ को वाइंड अप करके क्लास ट्वेल्थ में एंटर हो चुके हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो छुट्टियां मनाने का टाइम है तो बैठे हैं आराम से और फिर अभी क्लास ट्वेल्थ की आपको हो नहीं रही है

तो यहां पर आपको दो मौके मिलते हैं आप अगर नवंबर दिसंबर वाले टाइम पर देना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स तो, तो आप तब भी दे सकते हैं दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो फेब्रवरी और मार्च के टाइम ड्यूरेशन में आपका जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा जिन दो में से आपके जिनमें भी बढ़िया नंबर आएंगे उस मार्क्स को आपको कंसिडर किया जाएगा ठीक है अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को दो बार ही पेपर देना पड़ेगा आप न्यूज सुन लेते हैं बट कभी कभी बेटा आप उसको अच्छे से समझते नहीं है सो so, प्लीज अच्छे से समझेगा जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को दो बार ही बोर्ड एग्जाम देना है आपका नहीं है मन नवंबर दिसंबर में देने का आप फेब्रवरी मार्च वाले में देना चाहते हैं हम दे सकते हैं बट उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा आपके पास चॉइस नहीं है जो उस टाइम पर नंबर होंगे वही नंबर फाइनल माने जाएंगे तो इन सबके बारे में बेटा अभी डिस्कशन हो रही हैं सीबीएसई के द्वारा अभी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया गया है बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके जो नवंबर दिसंबर में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो क्या आप उस हिसाब से बेटा तैयार हैं ये बहुत जरूरी है जानना अगर नवंबर दिसंबर में बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं तो अभी चल रहा है अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो पेपर ही आ जाएंगे ना फिर प्रैक्टिकल्स भी होंगे तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो बेटा महीने कितने आपके पास सात सात भी नहीं छे, क्योंकि ये अप्रैल तो चल रहा है अभी आप जब ये वीडियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास दस दिन अप्रैल के जा चुके होंगे सो मेक श्योर दैट बेटा आप इस हिसाब से प्रेपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं इस चैनल पर आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है बहुत ही जल्द तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो दूसरा इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए बेटा हमने बहुत बहुत सारा अच्छा session, so दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे बोलू आपका टारगेट होना चाहिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक आप एटी तक का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे बेटा जब मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका जो मॉडर्न फिजिक्स उससे पहले वेव ऑप्टिक्स तक का आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाना चाहिए बेटा इन जुलाई तक की अगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप नवंबर दिसंबर में बोर्ड एग्जाम्स देने बैठने वाले हैं तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होने का आप अगस्त से सितंबर में बहुत सारी और चीजों में उलझे होंगे है ना स्कूल में एक्टिविटीज होता है प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है फाइल्स का काम आ जाता है तो ये वाला जो टाइम रहेगा इसमें आप बाकी का पंद्रह रिमेनिंग सिलेबस प्लस सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टारगेट कर रहे होंगे एंड फिर आपके नवंबर दिसंबर में पेपर आ जाएंगे और सेकेंड शिफ्ट आपका लगेगा फिर बेटा फरवरी और मार्च में मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये लागू हो जाता है सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग आपका क्या कहना है इस पे आपको क्या लगता है कि क्या आप नवंबर दिसंबर के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेडी हैं बिकॉज़ अगर आप नहीं भी रेडी हैं बेटा तो आप एक चीज समझ लीजिएगा है ना आप एक चीज समझ लीजिएगा कि आ, मौका बेटा लाइफ में है ना एक बार मिलता है और आपको भी मौका दिया जा रहा है अपने बोर्ड एग्जाम्स को इंप्रूव करने का अगर ये चीज लागू हो जाती है तो उसको जरूर से ऑप्ट कीजिएगा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं जाता है। नवंबर दिसंबर वाला जो आपका टाइम होगा आप उसमें अगर पेपर दे भी देते हैं तो आपको पता ही चलेगा कि कितनी प्रेपरेशन है आपकी और फिर आप नेक्स्ट वाला जो सेशन रहेगा यानी कि फेब्रवरी मार्च वाला जो आपका पेपर होगा उसमें आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी प्रिपेयर कर रहा है फॉर सी यू एग्जामिनेशन या कोई भी आप कोर्सेज में आपका ट्वेंटी परसेंट का ऑफ चल रहा है आप यूजिंग द कोड वाई फाइव फोर नाइन अगर किसी भी कोर्स में टेस्ट सीरीज में कहीं पर भी एनरोल करना चाहते हैं तो बेटा अभी आपको ट्वेंटी परसेंट का ऑफ मिलेगा तो ठीक है आप इनरोल कर सकते हैं So, this was a short informative video and a wake up call video for all of you. Stay tuned on this channel. Don't forget to subscribe and press the bell icon.